जी बच्चों, आज आप सीखेंगे एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1। ये लिखा हुआ है राइट ट्रू फॉल्स और ओपन फॉर ईच स्टेटमेंट। इस क्वेश्चन 1 में हम हर स्टेटमेंट के आगे इन ब्लैंक्स में लिखेंगे ट्रू या फॉल्स या फिर ओपन। तो इसमें पहले ये 1 पार्ट में देखें, लिखा हुआ है 0 इज़ अ नेचुरल नंबर। इस स्टेटमेंट का मतलब है कि 0 एक नेचुरल नंबर है। ये वाली स्टेटमेंट फॉल्स होगी क्योंकि ये 0 नेचुरल नंबर नहीं है। नेचुरल नंबर्स होते हैं 1 से स्टार्ट, यानी कि नेचुरल नंबर्स में 0 नहीं होता। तो यहाँ हम लिख देंगे फॉल्स। अब ये सेकंड पार्ट में देखें, इसमें लिखा हुआ ब्रैकेट में 5 + 4 - 2 = 14/2। अब इसका मतलब है कि दोनों साइड्स का इक्वल आंसर है, यानी कि दोनों साइड्स इक्वल हैं। पहले हम दोनों साइड्स का आंसर फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे? पहले हम ये ब्रैकेट में 5 + 4 लिखा हुआ है, 5 + 4 करेंगे तो क्या आएगा 9, 9 में -2 कर देंगे तो क्या आएगा 7। इस साइड का आंसर क्या आएगा 7। अब इस साइड का आंसर फाइंड करेंगे तो 14 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 7। इस साइड का भी आंसर 7 आएगा और इस साइड का भी 7। तो दोनों साइड्स इक्वल हैं तो फिर ये स्टेटमेंट ट्रू होगी। अब इसी तरह ये थर्ड पार्ट में देखें, लिखा हुआ है 5 इज़ अ प्राइम नंबर। इसका मतलब है कि 5 एक प्राइम नंबर है। ये वाली स्टेटमेंट ट्रू होगी क्योंकि 5 प्राइम नंबर ही है। हम यहाँ लिखेंगे ट्रू। अब ये फोर पार्ट में देखें, लिखा हुआ है 8 ÷ (?)=4। अब ये वाली स्टेटमेंट हम नहीं बता सकते ट्रू या फॉल्स क्योंकि ये एक अननोन वैल्यू है इसमें क्वेश्चन मार्क। इसी तरह जो स्टेटमेंट हम नहीं बता सकते ट्रू या फॉल्स वो फिर ओपन सेंटेंस होगा, यानी कि ओपन स्टेटमेंट होगी। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे ओपन। ये ओपन स्टेटमेंट वही होती है जिसमें कोई भी अननोन वैल्यू आ जाए, जैसे इसमें ये क्वेश्चन मार्क है, यहाँ कोई अननोन वैल्यू आएगी। अब इसी तरह 5 पार्ट में देखें, इसमें लिखा हुआ है 5 × x = 15/3। अब ये भी स्टेटमेंट हम नहीं बता सकते ट्रू या फॉल्स क्योंकि इसमें भी एक अननोन वैल्यू है ये एक्स, और जिस स्टेटमेंट में कोई अननोन वैल्यू आए उसे हम ओपन सेंटेंस कहते हैं, ये भी ओपन होगा। अब ये आगे 6 पार्ट में देखें, लिखा हुआ है -1 इज़ अ होल नंबर। अब इसका मतलब है कि -1 एक होल नंबर है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी क्योंकि होल नंबर्स में माइनस नहीं आते, होल नंबर सिर्फ प्लस के ही होते हैं। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे फॉल्स। अब ये 7 पार्ट में देखें, लिखा हुआ है 5 × 6 = 4 × 8। इस स्टेटमेंट का मतलब है कि दोनों साइड्स इक्वल हैं, यानी कि दोनों का इक्वल आंसर है। अगर हम दोनों साइड्स का आंसर फाइंड करें तो वो इक्वल नहीं आएगा। देखो 5 × 6 क्या आएगा 30, 4 × 8 क्या आएगा 32, तो इन दोनों का इक्वल आंसर नहीं आएगा, इधर 30 इधर 32, तो ये फॉल्स होगी स्टेटमेंट।